पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक बेंच ने 7 अगस्त को नूह और गुरुग्राम में हुई हिंसा पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने हिंसा के बाद नूह में लोगों के घर पर की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल भी किया था कि क्या राज्य जातीय संहार की कोशिश कर रहा है। अब इस बेंच को बदल दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त की देर रात हाईकोर्ट की इस बेंच को बदल दिया गया। बेंच एक दिन बाद यानी 11 अगस्त को ही इस मामले की फिर से सुनवाई करने वाली थी। इससे पहले ही बेंच का ट्रांसफर हो गया। इसमें जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन शामिल हैं। और जिसके बाद जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल की बेंच के इस मामले की सुनवाई के लिए नाम सामने आए। जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिन इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है क्या वो किसी खास समुदाय के लोगों की है, क्या सरकार कानून व्यवस्था की आड़ में ऐसा कर रही है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया था। कोर्ट ने इसे जारी करते हुए अपने आदेश में कहा, मुद्दा ये भी है कि क्या कानून व्यवस्था की आड़ में किसी खास समुदाय की इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और क्या राज्य सरकार जातीय संहार की कोशिश कर रही है। जातीय संहार को अंग्रेजी में एथनिक क्लींजिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी जगह से एक खास समुदाय को हटाने के लिए बल या धमकी का इस्तेमाल करना। कोर्ट हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर टिप्पणी कर रहा था। इसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है और बुलडोजर इलाज का हिस्सा है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। इसमें उन्हें बताना था कि नूह और गुरुग्राम में पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने कितनी इमारतें गिराई, क्या इससे पहले मकान मालिकों को कोई नोटिस दिया गया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने अधिकारियों को बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए कहा था। नूह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। खैर, आपको बता दें कि 11 अगस्त को इस मामले में जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण पल्ली व जगमोहन बंसल पर आधारित डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। अरुण पल्ली ने कहा कि यह हाईकोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान है, इस पर चीफ जस्टिस की बेंच ही सुनवाई कर सकती है। जस्टिस पल्ली ने कहा कि हाईकोर्ट नियमों के तहत जनहित याचिका पर केवल चीफ जस्टिस सुनवाई कर सकते हैं। इसके बाद मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।